वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, नीतूज रजी किचन में आप सबका स्वागत है। जो रेसिपी मिठाई की आज मैं लेकर के आई हूँ, मिठाई नहीं सेहत का खजाना है, एनर्जी बार है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे इसे आप बेझिझक खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी है, ये आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, सारे वाइटमिन से ये भरपूर है। तो आइए झटपट इतनी हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसको प्री हीट कर लिया। इसमें 1 कप के लगभग मैं कच्ची मूंगफली यूज कर रही हूँ। 1 कप के लगभग आप मानिए 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम के लगभग मैं यहाँ पर मूंगफली यूज कर रही हूँ। और इसे हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई भी ऑयल या घी का यूज यहाँ पर हम नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, हाई पे नहीं रखेंगे। इसे मैं ड्राई रोस्ट तब तक करूँगी जब क्रंची हो जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ 1 टेबल स्पून काजू ऐड कर रही हूँ। काजू डालने से जब हम इसकी बर्फी बनाएंगे बड़ा क्रीमी सा टेक्स्चर इसका आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी बर्फी खाने में। काजू बहुत हेल्दी होते हैं तो इन्हें भी हम डाल करके ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई घी का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद मैं 1 कप के लगभग मखाने ले रही हूँ। जिस बोल से मैंने मूंगफली ली थी उसी से मैं मखाने ले रही हूँ। बोल या बर्तन मेजरमेंट के लिए सेट करें, आपको कुकिंग में बहुत आसानी होगी। इसके बाद इनको ठंडा करके ना मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे तीनों इंग्रेडिएंट्स को। या आपको छिलका रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है पीनट्स की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके तैयार होगी। इन सबको मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म रेडी होना चाहिए, कोई भी इसमें पार्टिकल्स ना रहे। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसे प्री हीट करके 100 ग्राम इसमें गुड़ डाल के और 1/2 कप पानी डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे जब तक इसका एक सिरप ना रेडी हो जाए। देखिए सिरप इसका रेडी हो गया, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे छान लूंगी गैस की फ्लेम ऑफ करके। छानते हुए थोड़ा केयरफुल रहना है, गर्म है थोड़ा ध्यान रखना है। छानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ना गुड़ में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है। कई बार ये देखिए जैसे ये निकल के आई है ना, ऐसी होती है जो हमारी रेसिपी के टेस्ट को खराब कर देती है। इसके बाद मैंने दोबारा गैस पर चढ़ा दिया था इसे और इसे 1 तार की चाशनी बना करके रेडी करनी है हमें। देखिए जैसे गुड़ को मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जैसे मैं फिंगर से कर रही हूँ तो यहाँ पर ये 1 तार की चाशनी रेडी हो रही है। हमें ऐसे ही गुड़ को रेडी कर लेना है। इसके बाद गैस की ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और साथ ही साथ जो हमने पाउडर रेडी किया है ना मखाना काजू और मूंगफली का, इसे डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, अभी हाई नहीं करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर 20 ग्राम के लगभग भुने हुए सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अगर आपको साबुत इसमें यूज़ नहीं करना है तो इसको भी आप पीस करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब गैस की फ्लेम को लो करके हम अच्छे से इसको मिक्स करते हुए कुक करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करते या इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ इसके बाद 2 चम्मच मैं नॉर्मल दूध यूज करूंगी। उबला हुआ दूध यूज करना है हमें, कच्चा दूध का यूज नहीं करना है। दूध ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध हमें यूज करना है। फ्रिज से निकाला हुआ दूध हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और बिल्कुल खोलता हुआ दूध नहीं डालेंगे यहाँ पर। इसको मैंने देखिए डाल दिया। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मैंने घी का यूज अब किया है, सिर्फ 1 टेबल स्पून देसी घी, जो बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। देसी घी तो जरूर खाना चाहिए। तो मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पे देसी घी डाल दिया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर डाल दी हरी इलायची, कुटी हुई हरी इलायची डाल रही हूँ। आप बड़ी इलायची का यूज भी कर सकते हैं जो काली वाली होती है। मैंने यहाँ पर ग्रीन जो छोटी हरी इलायची होती है इसको पीस करके ये इसमें ऐड कर दिया। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक बेकिंग टिन ले ली है। आपके पास कोई भी थाली प्लेट बर्तन या कोई भी बोल हो आप जिसमें आप बर्फी वगैरह जमाते हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ही इस मिश्रण को इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ये फॉइल पेपर ले रही हूँ। फॉइल पेपर को अच्छे से मैं घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि वो चिपके नहीं। अगर आप किसी बर्तन में डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसे भी हल्का सा ग्रीस कर लें। अब साथ ही साथ जो हमने यहाँ मिक्सचर रेडी किया है इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसे रूम टेम्परेचर पे हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। ज्यादा जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख दें। और यहाँ 3 से 4 घंटे हो गए, देखिए अच्छे से ये जम गई है, बहुत ही अच्छा सा इसका लुक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसको और इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पर ये चांदी का वर्क लगा दूंगी। अगर आप चांदी का वर्क लाइक नहीं करते हैं, आपको लगता है कि नहीं लगाना है, आप नहीं खाते हैं, तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर दें। चांदी का वर्क लगाने के बाद थोड़ा सा और अच्छी दिखाई देती है। ये देखिए इसको नाइफ से हम कट कर देंगे। यहाँ पर आप किसी भी शेप में कट कर लें। मैं यहाँ पर इसको बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ। अब इसे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो हेल्दी स्नैकिंग जो रेडी हो गई है, एनर्जी बार यहाँ पर बन करके बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली रेसिपीज आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।